सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल अधा मजहबी अकीदत एहतराम से मनाई जा रही है। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के इस्तेमाल, इमाम काबा शेख अब्दुर्रहमान अल सुदेस की फलस्तीन और मस्जिद अक्सा की आज़ादी और दुनिया में क़याम अमन के लिए दुआएं। फलस्तीन में भी ईद, मस्जिद अल अक्सा के अहाते में भी नमाज अदा की गई। अमरीका, बरतानिया, कैनेडा और ऑस्ट्रेलिया में भी ईद उल अज़हा की खुशियाँ। पिशावर में अफगान बाशिंदों ने नमाज ईद अदा की। कराची में बोहरी बरदरी की ईद। सदर जमात खाने में नमाज ईद का इज्तिमा, मुल्क कौम और मजलूम फलस्तीनियों के लिए खसूसी दुआएं। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी। चलो चलो मंडी चलो, व्यापारियों और खरीदारों में जोर का जोड़। लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में खरीदार ज्यादा और जानवर कम। कराची में सबसे बड़ी मवेशी मंडी में भी बेशतर जानवर बिक गए। महंगाई खरीदारों के होश उड़ाने लगी। व्यापारी आखिरी लम्हात में जेबों पर छुरियां चलाने में मसरूफ। गाय बकरों के मन चाहे दाम वसूल। शहरियों को खूबसूरत जानवरों की तलाश। मुल्तान की मंडी में राजस्थानी और चोलिस्तानी बैल की धूम, कीमत 30 लाख रुपए। राजनपुर के गुलाबी बकरे भी अपनी मिसाल आप, कीमत 80,000 से 4 लाख। बढ़ती हुई महंगाई के बायस शहरी इज्तमाई कुर्बानी को तरजीह देने लगे। बच्चा पार्टी जानवरों की आओ भगत में मसरूफ। कुर्बानी से पहले खूब खातिर वदारत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से टेलीफोनिक राबता। ईद की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। तिजारत और तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात बढ़ाने का अज़्म। खित्ते में अमन के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफाक। आज मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ, ये जो प्रोग्राम हम लेने जा रहे हैं, ये शायद पाकिस्तान की तारीख में आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा। 100 दिन हमारी हुकूमत को पूरे हो चुके हैं। महंगाई है वो 38% से आज 12% तक गिर गई है। अगला IMF प्रोग्राम आखिरी होगा, वजीर आजम का वादा। मईशत के हवाले से सख्त फैसले करने का ऐलान। कौम से खिताब में बोले, आमदन इमदाद से नहीं तिजारत से होगी। 5 साल में बेरोजगारी और गुर्बत की कमर तोड़ेंगे। तरक्की में हमसाया ममालिक को पीछे छोड़ देंगे। बैरूनी सरमायाकारी के लिए आर्मी चीफ की काविशों का खुसूसी तस्करा। पाकिस्तान के दुश्मन कौन ये भी बता दिया। कहा, शहदा और गाजियों की तौहीन करने वाला, सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाला, टैक्स चोर और तनख्वाह लेकर अवाम की खिदमत ना करने वाला सरकारी अहलकार मुल्क दुश्मन है। पाकिस्तान का चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए फोर्स के कयाम का ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी की चीनी सफीर से मुलाकात। वज़ीर आज़म के हालिया दौरा चीन पर बात। वज़ीर दाखला ने कहा, पाक चीन दोस्ती में कोई दरार नहीं डाल सकता, किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। चीनी सफीर ने कहा, पाकिस्तान और चीन हर मौसम के दोस्त हैं। महंगी बिजली मजीद महंगी करने की तैयारियां। कीमत 3.41 रुपए फी यूनिट मजीद बढ़ने का इम्कान। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरख्वास्त दायर। नेपरा में समात 28 जून को होगी। मंजूरी की सूरत में सार्फीन पर 30 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। सांगढ़ में जुल्म की इंतहा। वडेरे ने खेत में घुसने पर ऊंट की टांग काट डाली। वीडियो सामने आई तो सोशल मीडिया पर कोहराम मच गया। वजीर आला सिंह का नोटिस, मुकदमा दर्ज, 5 मुलजिमान गिरफ्तार। ऊंट को मस्नूई टांग लगाने के लिए कराची मुंतकिल किया जाएगा। शजील मेमन कहते हैं, मुलजिमान और मालिक में मामला तय हो चुके थे, अमल नाकाबले कबूल है, इसलिए रियासत की मुदय्यत में मुकदमा दर्ज हुआ। सीटीडी और पुलिस का लकी मरवत में मुश्तरका ऑपरेशन। कलाधन टीटीपी का अहम कमांडर मारा गया। फरार दहशतगर्दों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन। खैरपुर में इकोनॉमिक जोन के करीब कौमी शाहरा पर कोच और मजदा में तसादुम, 4 अफराद जाँ बहक, 18 जख्मी हो गए, कई की हालत तशवीशनाक। खानेवाल के सरकारी अस्पताल में मुबैना गलत इंजेक्शन लगने से 3 बच्चों की मौत का वाकया।
रिकॉर्ड रूम में आग लगने से मुबैना तौर पर इंक्वायरी से मुतालिक रिकॉर्ड जल गया। ड्यूटी नर्स की गिरफ्तारी के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में नर्सेज का एहतजाज, लाहौर में यंग नर्सेज ने आज धरना मुलतवी कर दिया। मौसम की शिद्दत और सूरज की हिद्दत बरकरार, लाहौर में आज दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जाएगा। बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। तपती धूप में शजर सायादार, शफकत और अजमत का मीनार, अपने आज को बच्चों के कल पर कुर्बान करने वाला किरदार, तो आज ही करें वालिद से मोहब्बत का इजहार। अजीम हस्ती को खराज तहसीन पेश करने के लिए आज फादर्स डे मनाया जा रहा है। ये बात सच है, मेरा बाप कम नहीं माँ से। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का फादर्स डे पर वालिद को खराज तहसीन, कहा अपनी हर कामयाबी वालिद नवाज शरीफ के नाम करती हूँ, वो हर मुश्किल में हौसला है। आज बच्चों की परवरिश और रहनुमाई में वालिद के अनमोल किरदार को तस्लीम करने का दिन है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का आखिरी मैच आज आयरलैंड से होगा। दोनों टीमें पहले ही सुपर 8 की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं। मैच बारिश से मुतासर होने का खदशा, इमाद वसीम का कहना है सोच बदलना होगी, शिकस्त की बड़ी वजह माइंडसेट है, भारत के खिलाफ मैच जीतना चाहिए था। खैरपुर में इकोनॉमिक जोन के करीब कौमी शाहरा पर कोच और मजदा में तसादुम, 4 अफराद जाँ बहक, 18 जख्मी हो गए, कई की हालत तश्वीशनाक। खानेवाल के सरकारी अस्पताल में मुबैना गलत इंजेक्शन लगने से 3 बच्चों की मौत का वाकया, रिकॉर्ड रूम में आग लगने से मुबैना तौर पर इंक्वायरी से मुतालिक रिकॉर्ड जल गया। ड्यूटी नर्स की गिरफ्तारी के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में नर्सेज का एहतजाज, लाहौर में यंग नर्सेज ने आज धरना मुलतवी कर दिया। मौसम की शिद्दत और सूरज की हिद्दत बरकरार, लाहौर में आज दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जाएगा। बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। तपती धूप में शजर सायादार, शफकत और अजमत का मीनार, अपने आज को बच्चों के कल पर कुर्बान करने वाला किरदार, तो आज ही करें वालिद से मोहब्बत का इजहार। अजीम हस्ती को खराज तहसीन पेश करने के लिए आज फादर्स डे मनाया जा रहा है। ये बात सच है, मेरा बाप कम नहीं माँ से। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का फादर्स डे पर वालिद को खिराज तहसीन, कहा अपनी हर कामयाबी वालिद नवाज शरीफ के नाम करती हूँ, वो हर मुश्किल में हौसला है। आज बच्चों की परवरिश और रहनुमाई में वालिद के अनमोल किरदार को तस्लीम करने का दिन है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का आखिरी मैच आज आयरलैंड से होगा। दोनों टीमें पहले ही सुपर 8 की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं। मैच बारिश से मुतासर होने का खदशा, इमाद वसीम का कहना है सोच बदलना होगी, शिकस्त की बड़ी वजह माइंडसेट है, भारत के खिलाफ मैच जीतना चाहिए था। और ऑस्ट्रेलिया की फतह, स्कॉटलैंड वर्ल्ड कप से आउट, इंग्लैंड इन हो गया। मार्कस टॉनिस ने स्कॉटिश टीम के दिल तोड़ दिए। ऑस्ट्रेलिया ने 181 रन का हदफ 2 गेंदों पहले हासिल किया। इंग्लैंड ने नमीबिया को डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 41 रन से हराया। मैच 10-10 ओवर्स फी इनिंग्स महदूद था। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के 5-5 पॉइंट्स, मगर इंग्लिश टीम ने बेहतर रन रेट पर सुपर 8 में जगह बनाई।